हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का रोटी कवर बनाना बताऊंगी। जो पहले मैंने बताया था वो सर्कल में बताया था गोल, अब ये चाकोर में बता रही हूँ मैं, रेक्टेंगल में। तो ये देखिए, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 12.5 और चौड़ाई भी 12.5, 12.5 to 12.5। और ये एक पीस लिया है मैंने, इसमें दो ऐसे चौकोर पीस दो काटने हैं कपड़े के। ये देखिए, नीचे का भी ऊपर का भी मैंने सेम कपड़ा लिया है, बीच में ये मैंने फोम शीट लगाई है, ये देखिए। और इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है सिल के, और देखो इसके अंदर मैंने सिलाई भी लगा ली है जिससे कि कपड़ा ना उठे। ये देखिए, ऐसे ही हमने 4 पीस और लेने हैं, ऐसे 7.5 by 7.5 के। ये देखिए, 7.5 by 7.5, ये 4 पीस लेने हैं। उनको भी ऐसे क्विल्ट कर लिया है मैंने, ये देखिए सिलाई लगा के चारों तरफ से मैंने, बीच में फोम है, ऊपर नीचे मैंने सेम कपड़ा लिया है। ये मैंने चारों पीस सिलाई लगा के मैंने बीच में, ये देखिए, जिससे कि ये कपड़ा उठे ना, बैठ जाएगा ये सिलाई लगाने से, और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, डिज़ाइन सब बन जाता है और देखने में प्यारा लगता है। अब क्या करना है, हमने ये एक पीस लेना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए, यहाँ 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से गोलाई ले लेनी है। ऐसे करके गोलाई में हमें ये शेप दे देनी है और इसे कट कर लेना है। देखिए, अब ऐसे ही हमें सब कट कर लेने हैं, इसके ऊपर रख के हमें ऐसे ही सारे कट कर लेने हैं। ये देखिए, ऐसे ही हमें सारे कट कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चारों पीस ऐसी शेप में आगे से कट कर लिए हैं गोलाई में। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये चारों तरफ हम पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ से तीनों तरफ एक हिस्सा छोड़ देना है, ये वाली तरफ छोड़ देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग मैंने काट के रखी हुई है, ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है पाइपिंग। देखिए, इसे फोल्ड करना है, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। जिस शेप में ये कटिंग हुई है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है बारीक बारीक, और पीछे फोल्ड कर देंगे। शेप देते हुए ऐसे हम पाइपिंग को मोड़ते जाएंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया। अब क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और इसे ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि मैंने डबल डबल करके लगाई है तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है, हमें बार बार मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार ऐसे फोल्ड करा और सिलाई लगा लेंगे। देखिए, पाइपिंग लग के रेडी है। देखिए कितनी अच्छी तरह लग गई है, ऐसे हम चारों में लगा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन चारों में पाइपिंग लगा ली है। इन चारों पीस में ये पाइपिंग लग गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चौकोर कपड़ा है जो मैंने इसे क्विल्ट करके रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हम इन्हें अटैच करेंगे। सेंटर में रख रखे, देखिए इतना गैप इधर रहना चाहिए, इतना ही गैप इधर रहना चाहिए, ऐसे इतने ही गैप में इधर से हमें रखना है। इतने ही गैप से हमें इधर रखना है, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इतना ही गैप इधर, इतना ही इधर और इतना ही साइड में रहेगा। ये देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसे अटैच कर लेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे इसे, यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने चारों को सिल लिया है। मैं पिन मैंने लगाई थी पिन, जिससे कि ये इधर उधर ना हो जाए, तो मैं ये पिन निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैंने पिन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लैप जो है इसे देखे खोल के देखेंगे। ये देखिए अच्छे से ये अटैच हो गए हैं इसमें। अब क्या करना है, जो ये दोनों हिस्से हैं इनको हमें ऐसे, ये जो है इनको हमें ऐसे करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जितने हिस्से पे ये है, यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी ऐसे करके, इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। हमें चारों कोनों पे ऐसी सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे करके सिलाई लग जाएगी। ऐसे करके हमें यहाँ निशान लगा लेना है। ऐसे इस साइड भी करना है हमने। देखिए निशान लगा लेंगे, इधर भी ऐसे निशान लगा लेंगे हम। अब इन निशानों पे हमें सिलाई कर लेनी है। अच्छे से पक्का कर लेंगे इसको हम सिलाई को। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे कट नहीं करना है, इसे हमें काटना नहीं है, इसे हम ऐसे ही कर लेंगे सिलाई लगा के हम साथ में। अभी मैं इसमें पिन लगा देती हूँ। ये देखिए ऐसा ही इधर करना है हमने। इसे पिन अप कर लूँगी मैं। ये देखिए ऐसा ही अब इधर से भी करना है हमने, हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये जोड़ लिए हैं। ये देखिए ये जो साइड में था ये निकला हुआ, इसे मैं कट नहीं करा, ये भी इसके साथ जोड़ दिया, तो एक तरह से इसे सपोर्ट मिल गया है। अभी आराम से हम जैसे ऐसे खड़े करेंगे, ऐसे करके रखेंगे, तो देखिए इसमें कितना स्पेस है, हम इसमें ज़्यादा रोटियां रख सकते हैं आराम से। देखिए पहले ये फ्लैप बंद करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे, तो आपका ये प्यारा सा रोटी कवर या बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा हो गया है।
अब ये देखिए ये रफ एजेस हैं, इसे क्या करेंगे हम, इसे हम पाइपिंग से ढक देंगे, इसे पाइपिंग लगाएंगे तो ये अपना आप ही रफ एजेस अंदर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने ये लंबी पाइपिंग ली है, चौड़ी पट्टी ले रखी है, तो हम इसे नाप लेंगे। थोड़ी सी और है, हम इसमें जोड़ लेंगे थोड़ी सी पट्टी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपिंग लगा ली है, मैंने साइडों में पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए एक बॉक्स रेडी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स हो ये। लेकिन रोटी रखने के लिए कितना अच्छा है, ये देखिए मैं इसकी फ्लैप खोल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखने में भी सुंदर है और इसमें रोटी रखें गर्म रहेगी क्योंकि हमने इसमें फोम शीट लगाई है। ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हो गया ये। अगर आपको ये मेरा रोटी कवर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप बताएंगे कमेंट में तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगी। ये देखिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।